जिन सब आपने अब ज़ाहिर बात सुलहों की तरफ आ रही, एक अच्छा पैगाम जाएगा, मगर हम इन सुलहों की शराइत पे बात नहीं करते। अगर आपकी ज़ाहिर यकीन आपकी आंखों से गुजरा होगा, ये शराइत क्या है, इन पे अमल दरामद होना और फिर मोहब्बत और इतफाक का मेल हो रहा है, इसको ज़रा बयान फरमा दें। देखें वैस भाई, सबसे पहले तो आप सुलह को समझ लें कि सुलह होती क्या है। सुलह का मतलब ही है कि दोनों तरफ की पार्टीज ने अपना मौकिफ रखा और कंसेंसस के साथ कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। सुलह होती ही उस वक्त है जब शराइत तय पा जाए। सुलह हुदैबिया के अंदर क्या शराइत तय पाई नहीं थी? अगर शराइत ना हो तो सुलह नहीं होती है, फिर तो एक बंदे की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। सही, जब दोनों बराबर के लोग आ जाए तो सुलह करते हैं और वो शराइत तय करते हैं। लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो शरायत है थी या नहीं थी। जिस तरह सुलह हुदैबिया की शरायत थी, इस तरह सुलह हसन की भी शरायत थी। लेकिन इसके लिए चीज याद रखें कि हसन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम ने जो ये सुलह की है, ये कुरानी हुक्म पर अमल किया है। बाज लोग सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर खुफिया तान करते हुए ये कहते हैं कि हसन इब्ने अली तो मौला अली अलैहि सलाम को अपने दौर में, दौरे खिलाफत में की गई जंगों से रोकते थे। बिल्कुल ये झूठ है, नाऊद बिल्ला मिन दालिक। अगर ये बात होती तो वो जंगे जमल सिफीन नहरवान में मौला अली के साथ शरीक ना होते, वो शरीक रहे हैं। सिफीन पार्ट टू भी सैयदना हसन इब्ने अली ने शुरू कर दिया था। अच्छा, बुखारी शरीफ से ये जो हदीस बयान की जाती है ना कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये पूरी हदीस जो है ये उसका आखिरी टुकड़ा है। ये हदीस काफी लंबी है, ये स्टार्ट इससे होती है कि हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि मैं अपने सामने वो लश्कर देख रहा हूं कि जब तक अपने मुखालफीन को भगा ना ले वो यहां से हिलेगा नहीं। वो लश्कर मौला अली अलैहि सलाम की रूह नहीं लेके आई थी, मौला हसन अलैहि सलाम जो मौला अली के बेटे थे वो लेके आए थे। सही, ठीक है, ये हदीसें आधी नहीं हमें पढ़नी चाहिए, पूरी हदीसें पढ़नी चाहिए। तो फिर हजरत मुआविया ने कहा कि अगर ये कत्लो गारत हुआ तो पीछे उम्मत का क्या बनेगा? तो हजरत अमर बिन आस ने कहा कि ठीक है, फिर मैं पीछे से संभालूंगा। तो फिर इसी गुफ्तगू के दौरान हजरत मुआविया ने कहा कि क्यों ना हम हसन के सामने सुलह पेश करें, कुछ हमारी बात वो मान लें, कुछ हम उनकी मान लें। तो साथियों ने कहा कि मशवरा अच्छा है। तो ये सुलह की तरफ जो ऑफर है ये हजरत हसन ने नहीं की, ये झूठ है कि हसन जो है वो अमन पसंद थे। अमन जंग के अंदर गजवे बदर में क्या रसूलुल्लाह अमन पसंद थे? जब जंग होती है उस वक्त जंग होती है, उस वक्त अमन की बात नहीं होती। सूरतुल अनफाल में आया कि अगर मैदान जंग में मुखालिफ तुमसे सुलह की बात करे तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो हसन इब्ने अली सिफीन पार्ट टू लड़ने आए, लश्कर लेके आए। हजरत मुआविया को जब अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ने कहा कि ये तो नहीं लेंगे, हम इनको सुलह ऑफर करते हैं, उन्हें पता था कि कुरानी हुक्म पे अहलुल बैत अमल करेंगे। तो जब सुलह ऑफर की गई तो हजरत हसन इब्ने अली ने वो सुलह की ऑफर सूरतुल अनफाल के तहत कबूल कर ली, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया कबूल कर ली थी। अगरचे नबी अलैहिस्सलाम का पलड़ा भारी था, उसके बावजूद मुशरिकीन अरब के साथ सुलह कर ली। अच्छा, ये सुलह की तो जाहिर है वो शराइत क्या थी, उनमें से एक तो बुखारी में रिपोर्ट हुई है, वो है खुमस के हवाले से, जो सूरतुल अनफाल में आया कि माले गनीमत का पांचवा हिस्सा अहलुल बैत को मिलना है। उसके अलावा चार शराइत और थी जो सहाबा इकराम पर अहले सुन्नत ने बेहतरीन किताबें लिखी हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर की अल इस्तियाब, इमाम इब्ने अतीर की अल इसाबा, उसकी शरह इब्ने हजर अस्कलानी की उसूदुल गाबा की शरह अल इसाबा, अल इसाबा शरह लिखी गई उसूदुल गाबा इब्ने अतीर की किताब थी। इनके अंदर ये शरायत मौजूद है। नंबर वन, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो खुलफाए राशिदीन के मुताबिक चलाएंगे। नंबर टू, अगर हसन इब्ने अली जिंदा रहे तो वो उनके जानशीन बनेंगे, अदरवाइज वो उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे। नंबर थ्री, हजरत अली के जो साथियों ने हथियार डाल दिए हैं इस जंग के बाद, उनके साथ कोई सुलूक नहीं किया जाएगा बुरा। अच्छा, नंबर फोर जी, बनु उमैया के मेंबरों से जो सबो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम शरीफ में 6229 नंबर हदीस है अबू तुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ बिल्ला, मेंबरों से 6229 सही मुस्लिम, गदीर कुम से अगली हदीस। और पांचवा रखा गया खुमस, अफसोस के साथ इन पांच शरायत में से सिर्फ पांचवी शर्त पे अमल हुआ है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने खुमस दिया करते थे। मैं पूरा एक प्रोग्राम बुखारी मुस्लिम से कर सकता हूं
कि किस तरीके से इन शरायत की धजियां बखेरी गईं। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत हसन इब्ने अली को जहर दे के कत्ल किया गया। मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा में आता है कि उन्हें जहर दे के शहीद किया गया 47 ईयर्स की एज में। मेरी 47 होने वाली है, मेरी एज में हसन इब्ने अली को जहर देकर कत्ल कर दिया गया ताकि वो नौबत ही ना आए 49 हिजरी में कि वो जानशीन बन सकें। अल्लाह अकबर। और वो जो बुखारी हदीस है सईद वाली, वो उसी हदीस में आता है कि खुमस होगा और उसके बाद वो रावी हदीस कहते हैं कि हुजूर की पेशगोई पूरी हुई कि मेरा ये बेटा सईद है, इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े गुरोहों में सुलह होगी। दो अजीम गुरोह जो है ना, वो अजीम अरबी में वाला हूं अवाबुन अजीम भी आता है, इससे मुराद बड़ा है। अजमत वाला ग्रोह वो होता है जो खलीफा राशिद के साथ हो। हाँ जी, दूसरे ग्रोह के बारे में बुखारी में हदीस है 2812 वही हा मार तक्तुलहुल फीअतुल बागिया यदउहुम इलल्लाह व यदउनहु इलन्नार वाय अंबार, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो जो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही हो ना और खलीफा राशिद से बगावत करने वाली हो, वो अजमत वाली नहीं होती, वो बड़ी जमात थी। यहाँ अजीम का मतलब बड़ा ग्रोह है। और हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये सैयद है, यानी ये बड़ेपन का मुजाहरा करेगा सब कुछ होते हुए, ये अपनी मुझसे दस्तबरदार होगा। और आखिरी में हदीस बयान कर दूं कंक्लूड करने के लिए, अबू दाऊद में 4131 नंबर हदीस है जिसे शेख अल्बानी शेख जुबैर लिजई दोनों सही कहते हैं। ये पूरा पोल खोल दे कि किस तरह हसन इब्ने अली के कत्ल के बेनिफिशरी कौन हुए, हसन इब्ने कत्ल अली को कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे। मिकदाम बिन आदी कर्ब कहते हैं कि मैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के पास शाम में हाजिर हुआ, उसी दौरान हसन इब्ने अली की शहादत की खबर जब पहुंची तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उस वक्त जो सामने हाकिम बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तू हसन की मौत को मुसीबत शुमार करता है। अल्लाहु अकबर, नऊजु बिल्लाह, नऊजु बिल्लाह। तो मिकदाम बिन मादी कर्ब को गुस्सा आ गया, वो उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई थी, उन्होंने नबी इस्लाम की सोहबत की हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं हसन की मौत को मुसीबत में जानू कि नबी इस्लाम जानों पर एक तरफ हसन को बिठाते थे दूसरी तरफ हुसैन को, कहते थे हसन मुझसे है, हुसैन अली से है। वाज़े हो गया। बस मैंने मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी है, तारीख नहीं है 4131 अबू, मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी इस वक्त जो आप बयान फरमा रहे हैं, जो रिवायात आप बयान फरमा रहे हैं, और बड़े दिल से मैंने जारे सुना है सब कुछ, और आपको सच बताऊं तो दिल चीदा चीदा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये सब चीजें सच ना हो, और मैं सुन के भी महसूस नहीं हो रहा। आखिरी जुमले, मैं ये सारे आप हवाले भी दे रहे हैं, आखिरी जुमले ये है कि आज की डेट में सुलह हसन मंसूख हो चुकी है। जिस तरह सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी मुशरिकीन अरब ने, सुलह हसन उसी दिन मंसूख हो गई थी जब अपने बेटे को जानशीन मुफ्ती फजल सुभान साहब की तरफ में आ जाता हूँ। मुफ्ती साहब, मंसूख हो चुकी है सुलह, जो कुछ हम सुन रहे हैं कानों को यकीन नहीं आता। क़यामत तक के लिए सुलह हसन को मंसूख कर दिया, वो कह रहे हैं सुलह मंसूख हो चुकी है, शरायत पे अमल दरामत नहीं हुआ। आप जरा बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।